हिंदी में शब्द और वाक्य क्या पढ़ेंगे बच्चों? शब्द और वाक्य। शब्द शब्द वो होते हैं जो हम एक एक वर्णों को मिलाकर बनाते हैं, है ना। वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। वर्ण यानी क ख ग घ, ये बच्चों होते हैं वर्ण। पहले हम एक एक वर्ण सीखते हैं, उसके बाद हम वर्णों को जब जोड़ते हैं यानी लाइन में लिखते हैं तो वो शब्द बनते हैं। शब्द क्या होते हैं? जो हम बोलते हैं, है ना, जो हम लाइन से वर्णों को जमा कर लिखते हैं और बोलते हैं बच्चों, वो शब्द कहलाते हैं। और वाक्य, वाक्य यानी शब्दों को क्रम में जोड़कर लिखना से वाक्य बनते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में शब्द और वाक्य। अब यहाँ पे देखो, वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। हाँ, वर्ण जब हम वर्णों को जैसे क ख ग ख इनको जब जोड़कर सही क्रम यानी जमा कर लिखते हैं तो वह शब्द बन जाते हैं। हमें जरूरत रहती है उनको जमा कर लिखने की, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ लिखा है मैंने घ प्लस र, है ना, घा घड़ी का प्लस र, तो ये हो गया घर। ये वर्ण को हमने यहाँ पर पहले, ये अलग अलग वर्ण है बच्चों, ये मैंने यहाँ ये जो घर लिखा है इसको मैंने पहले अलग अलग लिखा है ना, ये वर्ण और ये वर्ण। फिर जब हमने इसको क्रम में एक साथ लिखा तो ये शब्द बन गया, जैसे घ प्लस र बराबर घर। इसी तरह क प्लस मा प्लस ला बराबर कमल, है ना। क प्लस मा प्लस ला बराबर कमल, इन वर्णों को पहले हमने ऐसे अलग अलग लिखा है, मतलब इनको तोड़ के लिखा है, फिर इसके बाद हमने इनको क्रम में लिख दिया यानी एक साथ लिख दिया, तो ये क्या बन गए? ये शब्द बन गए, है ना, जैसे घर और कमल। अब इसके नीचे है ज प्लस ल बराबर जल, है ना, अ प्लस मा बराबर रा, तो ये क्या हो गया? अमर, ये हो गया अमर, है ना, अ प्लस मा प्लस रा बराबर अमर, ज प्लस ला बराबर जल। पहले हमने यहाँ इनको अलग अलग लिखा है, फिर यहाँ पे एक साथ लिख दिया है, तो ये हमने वर्णों को जमा कर लिखा है, क्रम से लिखा है ना। इसी तरह यहाँ पे भी हमने पहले अलग अलग लिखा है और फिर इनको एक साथ लाइन में लिख दिया तो ये शब्द बन गए। इस प्रकार हम कई शब्द लिख सकते हैं, है ना, जैसे ना प्लस ला नल, जैसे ना प्लस मा प्लस का नमक, है ना, आ प्लस ग प्लस रा अगर, इस प्रकार के हम कई शब्द वर्णों को क्रम में जमा कर शब्द बना सकते हैं, है ना। कई शब्द इस तरह के कई शब्द हम लोग लिख सकते हैं। तो वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं। यहाँ हमने वर्ण लिखे हैं अलग अलग करके और यहाँ हमने उन वर्णों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर वो क्या बन गए? शब्द बन गए बच्चों, है ना, जोड़ने पर यहाँ पर वो शब्द बन गए। किंतु अगर हम इनका क्रम चेंज कर देंगे तो इनका कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा। अभी जैसे इसका अर्थ है था प्लस घर, तो घर यानी मकान भवन जिसमें हम रहते हैं उसको बोलते हैं घर, किंतु अगर हम इसका क्रम चेंज कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर इन वर्णों का क्रम बदल दें, क्रम यानी आगे पीछे कर दें, है ना, अभी हमने जो शब्द आगे आना था आगे, जो पीछे आना था पीछे,
दोनों को मिलाकर लिखा तो उसका अर्थ निकल रहा है, किंतु अगर हम इनका क्रम बदल देंगे तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, तो उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मीनिंग जरूर रहता है, किंतु उन वर्णों को हमें क्रम में बोलना पड़ता है, उन शब्दों को हमें क्रम में बोलना पड़ता है, तब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। और अगर हम उनका क्रम चेंज कर देंगे, उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि अगर इन वर्णों का क्रम बदल दें तो अर्थ नहीं निकलेगा। ऊपर जो वर्ण लिखे हैं ये अर्थ वाले हैं, और नीचे अगर हम क्रम बदल देंगे बच्चों तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है र प्लस घा, तो ये हो गया रथ। रथ का कोई अर्थ नहीं होता है, हाँ घर का जरूर अर्थ होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है घर, और इसी घर का क्रम मैंने यहाँ पे बदल दिया है, तो ये हो गया रथ। इसका क्रम बदला तो इसका कोई अर्थ नहीं है, किंतु ये मैंने लिखा है घर क्रम से तो इसका अर्थ है। तो शब्दों का बेटा यही महत्व होता है, उन्हें हमें जमा के क्रम में लिखेंगे तो उसका अर्थ आएगा, और अगर हमने उनका क्रम चेंज कर दिया तो उसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। उसके नीचे देखो ला प्लस ज लज, है ना, तो लज का कोई अर्थ नहीं होता है, किंतु जल, यहाँ पे मैंने लिखा है जल, जल यानी पानी, किंतु लज का क्या अर्थ होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्रम को अगर चेंज कर देते हैं तो पूरा अर्थ ही नहीं होता है, अर्थ ही चेंज हो जाएगा उसका। यहाँ पे देखो ला प्लस मा प्लस का, है ना, तो यहाँ पे बना है ये शब्द लमक, किंतु यहाँ पे वो शब्द क्या है, कमल। कमल का अर्थ है कमल का फूल होता है, कमल नाम होता है ना, तो यहाँ पे कमल है उसका अर्थ है, किंतु यहाँ पे हमने उसका क्रम चेंज करके लिखा है नीचे, तो नीचे लिखने पे वो आ जाता है लमक। इसका कोई अर्थ नहीं होता बेटा, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके बाद देखो रा प्लस मा प्लस आ रमा, है ना, इधर लिखा है अमर, अमर का अर्थ होता है, अमर शब्द आप लोगों ने सुना भी है ना, अमर नाम भी होता है, कहीं कहीं अपन बोलते हैं अरे वो तो अमर है, कोई हम अमर होकर नहीं आए हैं, इस ये शब्द हमारी भाषा में यूज होता है, किंतु रमा ये क्या यूज होता है, ये कोई शब्द नहीं है, इसका बच्चों कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम वर्णों को क्रम में लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, किंतु अगर इन वर्णों का क्रम बदल दे, उल्टा सीधा लिख दे, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ तो होता है वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं, और अगर इन वर्णों का क्रम बदल दे तो अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। मैंने यहाँ पे वर्ण जोड़कर शब्द बनाए तो वो अपने नए शब्द बने हैं, घर जल कमल अमर, किंतु नीचे वाली लाइन में वर्णों का क्रम चेंज कर दिया है। यहाँ पे हमें पता पड़ता है कि वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, किंतु वर्णों का क्रम बदल देने से शब्द तो बनेंगे पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहाँ पे शब्दों का अर्थ निकल रहा है क्योंकि ये क्रम से जुड़े हैं, और यहाँ पे हमने क्रम चेंज कर दिया है तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इनका कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो शब्द इसी प्रकार होते हैं बेटा, वर्णों को क्रम से लिखने से, वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, और कोई ना कोई शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है अगर हम क्रम से लिखते हैं, और अगर हम वही क्रम चेंज कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। रख, रख का कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ऊपर देखेंगे तो ये घर है। लज, लज का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ देखने में हमें पता पड़ता है ये तो जल है ना, जल पानी। इसी प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है लमक,
लमक का कोई अर्थ नहीं है, पर यहाँ पर हमने क्रम में लिखा है कमल, तो कमल का अर्थ है, यहाँ पर है अमर, अमर का अर्थ है, किंतु यहाँ पे लिखा है रा प्लस मा प्लस आ बराबर रम आ, इसका कोई अर्थ नहीं है। कई प्रकार के शब्द रहते हैं हमारी भाषा में, कितने शब्द निकलते हैं, वो शब्द हम अर्थपूर्ण नहीं बोलते हैं। जब हमारे कोई शब्द निकलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, कुछ ना कुछ मतलब रहता है, किंतु हम वही शब्द वही वर्ण अपने आप चेंज कर देंगे तो हमारे उन शब्दों का कोई मतलब नहीं रहेगा बच्चों, कोई अर्थ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो शब्द और वाक्य वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर लिखने पर वाक्य बनते हैं, है ना। जो हम लाइनों बिल्कुल लाइनों में लिखते हैं, पूरी एक लाइन है ना, पूरा एक हमारी बात का कोई पूरा एक सेंटेंस एक अर्थ हो जाता, वो वाक्य होता है बेटा। शब्द ये होते हैं जो हम पे वर्णों को पहले अलग अलग लिखते हैं और फिर उन्हें जोड़कर क्रम से लिखते हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं, है ना। ये वर्ण होते हैं क म ल, और अगर हमने इनको मिलाकर लिख दिया तो यही शब्द बन जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को शब्द और वाक्य में जो हमने वर्ण अलग अलग करने के बाद क्रम में लिखे हैं वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कुछ शब्दों के तो अर्थ हैं, किंतु कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ नीचे नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि उसका हम क्रम चेंज कर देते हैं। ओके, थैंक यू।